हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 4 पेज नंबर 41 प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के 5 प्रॉपर्टीज हैं। पहला ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। इस तरह मल्टीप्लिकेशन के 5 प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहला, फर्स्ट नंबर ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर इज चेंज। मीन्स जब दो नंबर होते हैं उनके ऑर्डर चेंज हो जाते हैं, फिर भी जो प्रोडक्ट होता है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जांपल 63 × 27, या फिर हम इसको 27 × 63 भी लिखेंगे तो दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। सपोज 5 × 4 = 4 × 5, यानी कि 5 × 4 = 20 ही होता है और 4 × 5 भी 20 ही होता है। तो जब भी दो नंबर होंगे उनके ऑर्डर को इस तरह चेंज कर दिया जाएगा, फिर भी जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होता है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स डज नॉट चेंज व्हेन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स इज चेंज। मीन्स जब 3 नंबर होते हैं और उनकी जो ग्रुपिंग है वो चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ 15 को सेपरेट किया गया है और यहाँ पे 17 को सेपरेट किया गया है, लेकिन इसका प्रोडक्ट और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों सेम होगा। सपोज 3 × 2 × 4 = 4 × 3 × 2, मीन्स यहाँ पे 3 × 2 = 4 = 8 और यहाँ पे 4 × 3 = 6, यानी 3 × 8 = 24 और 4 × 6 = 24। तो दोनों के जो प्रोडक्ट होंगे वो सेम होंगे। नेक्स्ट थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स फॉर एग्जांपल है 23 × 100 + 25, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 23 × 100 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 23 का 100 में मल्टीप्लाई करना है, फिर 23 का 25 में मल्टीप्लाई करना है, बीच में प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन लगा देंगे। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा और इसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ 5 × 10 + 15 = 5, इसका मतलब है कि 5 का पहले 10 में मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे, 5 का फिर 15 से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे भी 5 × 10 = 50 + 15 × 5 = 75 और यहाँ पे भी 50 × 10 = 50 + 15 × 5 = 75। तो इसका भी प्रोडक्ट 125, इसका भी प्रोडक्ट 125। इस तरह ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी किसी भी नंबर में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम नंबर ही उसका आंसर होता है। जैसे 53 536 × 1,
यानी 536 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 536 ही होगा। 10641 में यदि हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 10641 ही होगा। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ 1 है। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, मींस जब हम किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 0 होता है। सपोज़ 120 into 0 = 0, 141 into 0 = 0। इस तरह जब हम किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है।